हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 के बोर्ड वाइज क्वेश्चन आंसर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो बोर्ड में आते हैं। इनका नाम है सॉल्यूशन सेट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वैल्यू दी गई है 4x माइनस 12 इजिकल्स टू 4। इसी तरीके से हमें लिखना है 4x इजिकल्स टू 4। ये वाला माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस और 12। नीचे लिखते हैं 4x इजिकल्स टू 4 और 12 को जब प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर लिखेंगे x इजिकल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 4। फोर वन ज 4, ये 4 कट गया, और 4 ज 16, और आपके पास आंसर आ गया 4। ब्रैकेट में हमने लिख दिया कर्ली ब्रैकेट में 4, और ये हो गया सॉल्यूशन सेट का आंसर। इसी तरीके का दूसरा सवाल करते हैं। ये बोर्ड की लाइन का क्वेश्चन है सेकंड। ये दी हुई है हमें वैल्यू 2x प्लस 1 बोर्ड की लाइन इजिकल्स टू 6। हमें यहाँ पे ऐसे ही उतारना है। ये दो दफ़ा सॉल्व होता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो हमने लिखा 2x प्लस 1 इजिकल्स टू 6। जब प्लस होगा तो हम प्लस लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट 6 लिख देते हैं। उसके बाद लिखते हैं 2x प्लस 1 इजिकल्स टू माइनस 6। नीचे लिखा 2x इजिकल्स टू, ये वाला प्लस यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो लिखा 6 माइनस 1, और यहाँ लिखा 2x इजिकल्स टू, ये वाला प्लस यहाँ पे आके माइनस होगा, माइनस 6 माइनस 1। अब यहाँ लिखा 2x इजिकल्स टू 6 को माइनस करेंगे 1 से तो 5 आएगा, और 2x इजिकल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 7 आ गया, माइनस 7। फिर नीचे लिखा x इजिकल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2, और x इजिकल्स टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर आ गया सॉल्यूशन सेट का। अब यहाँ पे बोर्ड की लाइन का एक और सवाल है। इसके आगे बोर्ड की लाइन के आगे दो डिजिट्स हैं, तो ये आपको पहले मैंने 1 डिजिट करके दिखाया था, अब मैं आपको 2 डिजिट का करके दिखाऊंगी। इसको ऐसे ही उतार लेना है। ये वाला माइनस यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 2। फिर दोबारा से लिखेंगे, बोर्ड की लाइन लगाएंगे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इजिकल्स टू 10। उसके बाद लिखेंगे दोबारा से 2x प्लस 1 इजिकल्स टू लगाएंगे, यहां लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई 3। फिर लिखेंगे 2x प्लस 3 इजिकल्स टू प्लस माइनस, जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 30 आ जाएगा। एक दफा प्लस में लिखेंगे इसको और एक दफा माइनस में। ऊपर हमने प्लस माइनस इसलिए लगाया है, ये देखिए 30 को डायरेक्ट लिख दिया, प्लस नहीं लगाया, और 2x प्लस 3 इजिकल्स टू माइनस 30। फिर क्या किया, लिखा 2x इजिकल्स टू, ये वाला प्लस यहाँ पे आके माइनस होगा, 30 माइनस 3, और 2x इजिकल्स टू 30 माइनस
3। ये देखिए, अब लिखेंगे 2x is equals to 30 को हम माइनस करेंगे 3 से, 27 आ जाएगा, और 2x is equals to 30 minus 3, 27। अब इसको लिख देंगे 27 divided by 2, और दो दफा लिख देंगे क्योंकि दो दफा आंसर आया है। कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, दिस इज माई आंसर। ये देखिए, ये सॉल्यूशन सेट का आंसर आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी सॉल्यूशन सेट रूट का कैसे करते हैं। यहां लिखा रूट, यही वैल्यू उतारते हैं 3x माइनस 5 नीचे लिखा 2 या इजिकल्स टू लगाया, ये वाला प्लस यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 10 माइनस 2। जब हम 10 को माइनस करेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही लिखी वैल्यू हमने 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इजिकल्स टू 8। फिर ये स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, अब हम इसको स्क्वायर करेंगे। ऐसे लिखते हैं रूट 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, यहां लिखा 8 ब्रैकेट के अंदर इजिकल्स टू लगाया, ये स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया। अब दोनों स्क्वायर को हम काट देंगे, यहां लिखा 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, जब हमने 8 को दो दफा किया तो 64 आ गया। नीचे लिखा 3x माइनस 5, ये वाला जो नीचे डिवाइड हो रहा है 2, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 2, थ्री एक्स माइनस 5 लिखा इज इक्वल्स टू 128, प्लस करेंगे इसको 5 को, फिर लिखा x इज इक्वल्स टू 128 को प्लस करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 133। नीचे लिख देंगे 3, फिर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 133 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा आंसर आ गया सॉल्यूशन सेट का। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से, आप लोग करके ज़रूर देखिएगा। बाय।